महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। शरद गुट ने 45 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। शरद गुट ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। राजेश टोपे को घनसावंगी से टिकट दिया गया है, ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। बालासाहेब पाटिल को कराड नॉर्थ सीट से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद गुट ने 45 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है और प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 45 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने ये लिस्ट जारी की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शरद गुट ने जयंत पाटिल को इस्लामपुर सीट से टिकट दिया है। अनिल देशमुख को काटोल सीट से टिकट दिया गया है, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। साथ ही बता दें कि राजेश टोपे को घनसावंगी से टिकट दिया गया है और बाला साहेब पाटिल को कराड नॉर्थ सीट से टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अब एनसीपी शरद पवार गुट की ये पहली सूची सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 45 नामों का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ बारामती से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि शरद पवार ने यहां से अपने पोते योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। महाराष्ट्र एनसीपी प्रेसिडेंट जयंत पाटिल ने एक प्रेस वार्ता कर उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया। इसमें बारामती सीट से योगेंद्र पवार के अलावा इस्लामपुर से जयंत पाटिल, काटोल से अनिल देशमुख को टिकट दिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त को आपको बता रहे हैं, जहां एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से आज ये पहली सूची जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि शरद पवार गुट की ओर से ये पहली सूची जारी कर दी गई है और इस सूची में 45 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भतीजे अजीत पवार के खिलाफ बारामती से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। खास बात है कि शरद पवार ने यहां से अपने पोते योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। महाराष्ट्र एनसीपी प्रेसिडेंट जयंत पाटिल ने एक प्रेस वार्ता में आज उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है। बारामती सीट से योगेंद्र पवार के अलावा इस्लामपुर से जयंत पाटिल, काटोल से अनिल देशमुख को टिकट दिया गया है।